हे गाइस, एक बार फिर से क्रेजी फॉर टीवी लेकर हाजिर है बीते दिनों की 7 बड़ी खबरें लेकर। तो चलिए जल्दी से बताते हैं कि बीते 7 दिनों में क्या कुछ हुआ है टीवी की दुनिया में। हफ्ते में छाने वाली पहली टॉप न्यूज, नए शो की तैयारी में जुटी प्रणाली, खबर से फैंस में खुशहाली। हाल ही में इस खबर ने प्रणाली के फैंस को खुश कर दिया है कि ये रिश्ता में उनके ट्रैक के खत्म होने के साथ ही उन्हें अब सोनी टीवी के एक नए शो के लिए अप्रोच किया गया है। खबरों में बताया जा रहा है कि ये शो जनवरी 2024 में दस्तक देगा, जिसके प्रणाली भी एक्साइटेड है। हफ्ते में छाने वाली दूसरी टॉप न्यूज, पंडिया स्टोर की सिमरन के कुमकुम भाग्य में एंट्री, बनेंगी विलन। हाल ही में कुमकुम भाग्य में नया जनरेशन ली पाया है, जिसके साथ रांची शर्मा और अब्रार काजी ने शो में नए लीड के तौर पर एंट्री ले ली है। तो वहीं शो में खुशी के किरदार में पंडिया स्टोर की सिमरन बुधरूप नजर आ रही है। शो में उनका नेगेटिव रोल है, सिमरन ने पहले ही इन बातों का खुलासा कर दिया था, जिसके बाद सिमरन को इस शो में देखने के लिए उनके फैंस काफी बेताब दिखे। हफ्ते में छाने वाली तीसरी टॉप न्यूज, सागर पारेख ने अनुपमा में लौटने पर कही ये बात। जब से अनुपमा शो में समर की मौत का ट्रैक आया है, फैंस निराश हैं। वहीं शो की टीआरपी भी तभी से काफी नीचे गिर रही है। जनता का कहना है कि शो का ऐसा हाल सागर की एग्जिट के कारण हुआ है। वहीं हाल ही में जब इस बारे में सागर से पूछा गया तो एक्टर ने कहा कि अगर मेकर्स उन्हें शो में वापसी के लिए बुलाएंगे तो वो इस शो में जरूर आएंगे, जिसके बाद फिर से फैंस सागर को शो में लाने की मांग कर रहे हैं। हफ्ते में छाने वाली चौथी टॉप न्यूज, किशोरी शाहनी ने छोड़ा गुम है किसी के प्यार में शो। हाल ही में इस खबर ने काफी कोहराम मचा दिया कि अब गुम है शो में भवानी काकू का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस किशोरी शाहनी नजर नहीं आएंगी। खबरें हैं कि किशोरी अब जी टीवी के शो कैसे मुझे तुम मिल गए में नजर आएंगी एक नए किरदार में। हफ्ते में छाने वाली पांचवी टॉप न्यूज, अक्षरा की होगी दर्दनाक मौत, खबर से हैरान जनता। खबरें सामने आई है कि ये रिश्ता शो में अब अक्षरा की मौत का ट्रैक भी आने वाला है। खबरें हैं कि शो में अक्षरा की मौत युवराज के हाथों हो जाएगी। वहीं अक्षरा मरने से पहले अरमान से अबीरा का ख्याल रखने का वादा मांगेगी, जिसके बाद अरमान अपने परिवार के खिलाफ जाकर अबीरा से शादी करेगा। हफ्ते में छाने वाली छठी टॉप न्यूज, प्रणाली राठौर ने आखिरी दिन ये रिश्ता के सेट से दिखाया खास पल। ये रिश्ता क्या कहलाता है, अपने नए लीड के साथ आगे बढ़ चुका है। शो में नए स्टार्स आ गए हैं और इसकी कहानी नए तरीके से आगे बढ़ रही है। इसी बीच प्रणाली राठौर ने सेट से हाल ही में आखिरी दिन का एक वीडियो शेयर किया, जिसपे उन्होंने अपनी शानदार जर्नी दिखाई। प्रणाली ने इंस्टाग्राम पर सेट से कुछ प्यारे पल शेयर किए, जिसपे करिश्मा सावंत, हर्ष चोपड़ा, गरिमा डिमरी, मयंक अरोड़ा सहित शो के शूटिंग के बीच मस्ती करते नजर आए। इस वीडियो को देख फैंस भी काफी इमोशनल हो गए। हफ्ते में छाने वाली सातवीं आखिरी टॉप न्यूज, ईशा के लव एंगल से परेशान पेरेंट्स, कर दी शो से आउट करने की मांग। ईशा मालविया के जिस तरह से बिग बॉस के घर में आशिकाना अंदाज दिखा, कहा जा रहा है उसे देखते हुए उनके पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं है। उडारिया में ईशा के साथ काम कर चुके एक्टर लोकेश भट्टा ने एक इंटरव्यू में बताया कि ईशा की मां उनके खराब हो रही इमेज से परेशान है और चाहती है कि वो घर से आउट हो जाए, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही। तो ये है इस हफ्ते छाने वाली 7 बड़ी खबरें।